बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर? अल्लाह पाक हिफ्ज अमान में है। उम्मीद करता हूँ कि सारे ठीक ठाक होंगे, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का जो लेक्चर है, जो टॉपिक है, ये अक्सर स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा तंग करता है। आज की ये वीडियो अगर आप पूरी देखेंगे तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में आपको कोई भी इशू नहीं होगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, इस पूरे लेक्चर को अच्छी तरह समझें, और अगर समझ आ जाए, कोई इशू हो, तो आप इसको नीचे लिंक में यानी कि कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा या ईमेल कर सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि आपके दोस्त भी इससे फ़ायदा उठा सकें। इससे पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन वो क्योंकि उसमें वाइट बोर्ड नहीं था तो उस वक्त मैंने ऐसे ही बना दी थी। तो आज वाइट बोर्ड पर एक दफ़ा फिर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हम कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन है इसके, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के, एक्स लॉग ऑफ एक्स। इसका सबसे पहले हम रूल समझते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। सबसे पहले एक फार्मूला है आई लेड, इसको समझ लेते हैं। आई से इनवर्स, इनवर्स मीन साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स एक्स। एल से लॉगरिथम यानी लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर सो ऑन। और ए से अलजेब्रिक, अलजेब्रिक कौन से होते हैं? x वाले, यानी कि एक्स स्क्वायर एक्स या कांस्टेंट टर्म 1 2 3 4। उसके बाद t से ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक यानी साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, सीकेंड एक्स। और e से एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल मीन e ऑफ x, यानी कि जिसमें x की पावर में आ जाए, x पावर की फॉर्म में आ जाए, उसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। तो अब ये आई लेड समझाने का मकसद ये है कि जब भी आपने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करना है तो सबसे पहले उसकी अरेंजमेंट इस लिहाज से करनी है, यानी आई लेड के हिसाब से करनी है। सबसे पहले आपका इनवर्स फंक्शन आना चाहिए, और उसके बाद लॉगरिथम, फिर अलजेब्रिक, और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, और आखिर में लास्ट में आपने लिखना है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अच्छा, एक बात और याद रखें कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो फार्मूला अप्लाई होता है वो हमेशा दो फंक्शन पे होता है। जब भी फंक्शन आपका मल्टीप्लाई की फॉर्म में आ जाए तो तब हम इंटीग्रेशन फॉर्म में, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करते हैं। अब मल्टीप्लाई की फॉर्म में तो ऐसा फंक्शन भी आ सकता है एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। यहाँ पे आप ये फार्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही फंक्शन अलजेब्रिक है, तो हम अप्लाई नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन बाय पार्ट उस वक्त अप्लाई होगा जब आपके दो डिफरेंट फंक्शन होंगे, यानी एक अलजेब्रिक होगा, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, या एक्सपोनेंशियल, या एक एक्सपोनेंशियल होगा, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, या एक लॉगरिथम होगा, दूसरा अलजेब्रिक हो सकता है, तब आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर सकते हैं। अदरवाइज सेम जब फंक्शन आ जाएंगे तब आप यूज नहीं कर सकते। अगर आप इनवर्स वाले भी दो आ सकते हैं तब भी आप उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स नहीं करेंगे। अब चलते हैं इसका फॉर्मूला समझते हैं। सबसे पहले अगर आपको फार्मूला समझ आ गया तो इंशाल्लाह इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका फार्मूला करते हैं। अब हम एक जनरल फॉर्म लिखते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में। जब मल्टीप्लाई में दो फंक्शन आते हैं तो उसका फार्मूला एक जनरल फॉर्म में लिखते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट, यानी फर्स्ट जो फंक्शन है आपका, फर्स्ट फंक्शन एज इट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस फर्स्ट फंक्शन एज इट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल फॉर्मूले का, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साथ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स, फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट का आपने डेरिवेटिव लेना है, साथ ही डी ऑफ एक्स लेना है। ठीक हो गया? तो दोबारा समझ लें फॉर्मूला। आपके पास दो फंक्शन होंगे, लेट सपोज ये दो फंक्शन है, ये दो फंक्शन है, ये दो फंक्शन है, ये दो फंक्शन है। सबसे पहले इसको आपने आई लेड के फॉर्म में लिख देना, यानी कि अरेंज करना है इसको। उसके बाद हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला, यानी कि फर्स्ट फंक्शन एज इट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रल, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एज इट दोबारा, यानी फिर डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन का दोबारा आपने डेरिवेटिव लेना है। आप कुछ क्वेश्चन करते हैं, आपको इजीली ये फॉर्मूला समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन है एक्स लॉग ऑफ एक्स, एक्स लॉग ऑफ एक्स। अब इसमें ये पहले तो ये चेक करेंगे आई लेड
की फॉर्म में देखेंगे इसको कि आई नेड की तरतीब में है, यानी कि इसके रेंज में चेक करेंगे। सबसे पहले इनवर्स इसमें है ही नहीं, एक है अलजेब्रिक, दूसरा लॉगरिथम। अलजेब्रिक और लॉगरिथम इट मीन यहाँ पे ये जो बता रहा है एल, लॉगरिथम आपका फंक्शन पहले आना चाहिए, बाद में अलजेब्रिक आना चाहिए। तो इट मीन आप इसको लिखेंगे लॉग ऑफ एक्स इंटू एक्स डी ऑफ एक्स, ओके हो गया। तो ये फंक्शन आपका अरेंजमेंट में यानी तरतीब में आ चुका है, हमने इसको उस फॉर्म में लिख दिया है। तो अब हम इस पे यूज करेंगे, आप इसको लेट भी कर सकते हैं, आई के इक्वल लेट भी इसको कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट, अभी हमने थोड़ा पढ़ा है, फर्स्ट फंक्शन एज इट यानी कि लॉग ऑफ एक्स एज इट, ओके हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, अब एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है कि एक्स स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, पावर रूल हमने इसका इन डिटेल सीखा हुआ है। माइनस इंटीग्रल, इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एज इट मीन एक्स स्क्वायर ओवर 2 और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लॉग ऑफ का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स डी ऑफ एक्स, ओके हो गया। दोबारा समझ लें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यही एक ही रूल है, यही एक ही टिप्स है। आपने सबसे पहले इसको इस रेंज में इसमें अरेंज करना है, उसके बाद आपने इसको इंटीग्रेशन अप्लाई कर देना है। फॉर्मूला आपको जनरल फॉर्म में समझा दिया, log of x first function as it integration of second minus integration of second derivative of first function, okay okay। आप इसको simplify करते हैं, log of x हम x square over 2 start में लिख देते हैं, minus x cancel हो जाएगा, 1 over 2 हम by लिख देते हैं x d of x, okay हो गया। अब आपने क्या करना है, इस x का अगेन इंटीग्रेशन लेना, जब तक इंटीग्रल का साइन खत्म नहीं होगा तब तक आपने इसको इंटीग्रेशन करते रहना है। तो अब हम मजीद आगे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये एज इट आ जाएगा x स्क्वायर ओवर 2 log ऑफ x माइनस 1 ओवर 2, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x स्क्वायर ओवर 2 प्लस c, लिखना जरूरी है इन केस ऑफ इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन है x स्क्वायर ओवर 2, ये मल्टीप्लाई डॉट मतलब है मल्टीप्लाई। अब इसको हम सिंपलीफाई मजीद कर लेते हैं, log of x minus x स्क्वायर ओवर 4 प्लस c, ये है आंसर। तो ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। सिमिलरली आप इसी तरह के क्वेश्चन है x स्क्वायर log of x, अब इसको करेंगे तो इस पे आपने x एक दफा x स्क्वायर होगा, आप उसको करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट, दोबारा x log of x की फॉर्म आएगा, उससे फिर अगेन इंटीग्रेशन बाय अप्लाई करेंगे। जब तक इंटीग्रेशन का साइन नहीं होगा तब तक आप उसका इंटीग्रेशन लेते रहेंगे। मीन कि अगर यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि इस तरह की फॉर्म आ जाएगी, एक दफा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा, सॉरी ये बनेगा, एक दफा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे तो ये x log of x की फॉर्म उसमें आएगी, उस पे दोबारा अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, फिर आप सिंपलीफाई करके यानी कि दोबारा एक दफा फिर इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन लेके आप उसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं एक ये वाला, अब हमारे पास क्वेश्चन है, मैं करा देता हूँ इसके, एक क्वेश्चन है e of x sin of x d of x, ओके हो गया। एक क्वेश्चन इस तरह का टैन भी हो सकता है, कॉस भी हो सकता है, लेट्स सपोज ये आई के इक्वल है, ओके। अब ये एक ऐसा फंक्शन है कि इसका हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेंगे तो दोबारा फिर ये कॉस आ जाएगा, फिर कॉस करेंगे फिर साइन आ जाएगा, ये क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, ये चलता रहेगा। आगे जाकर क्या करना है ये क्वेश्चन कर लें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले तरतीब देंगे इसको, साइन ऑफ एक्स पी ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, फर्स्ट सेम ये आई के इक्वल चल रहा है इंटीग्रेशन, साइन एक्स सेम, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी ई ऑफ एक्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव कॉस ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इस पे अप्लाई होगा साइन ऑफ एक्स ई ऑफ एक्स माइनस, ब्रैकेट लगा लें। अब ये आप इसको तरतीब से लगाएं, यानी कि आप इसको
इस फॉर्म में लिख दे, मैं इसी में लिख देता हूँ, आप नेक्स्ट स्टेप में करेंगे इसको। तो कॉज ऑफ एक्स ई ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, फर्स्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और फर्स्ट का कॉज का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ओके डी ऑफ एक्स, ओके हो गया। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, साइन ऑफ एक्स ई ऑफ एक्स माइनस कॉज एक्स ई ऑफ एक्स माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये माइनस है तो इसको फिर माइनस कर देगा, ई ऑफ एक्स साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स और यहाँ इंटीग्रेशन, ओके हो गया। अब आप गौर करें तो ये फंक्शन वही आ चुका है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो फिर ये कॉज आ जाएगा, कॉज करेंगे तो साइन आ जाएगा, ये ऐसे चलता रहेगा। तो इसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि क्योंकि ये फंक्शन आ चुका है और ये फंक्शन आपका आई के इक्वल है तो हम इसकी जगह आई पुट कर देंगे और एक आई आपका इस तरफ चल रहा है, ओके हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, अब यहाँ आई आ जाएगा, आई इक्वल टू साइन ऑफ एक्स ई ऑफ एक्स माइनस कॉज ऑफ एक्स ई ऑफ एक्स माइनस आई प्लस सी, ओके हो गया। प्लस सी भी आता है जब इंटीग्रेशन खत्म हो जाता है, तो आई ये आगे फंक्शन साइन ऑफ एक्स ई ऑफ एक्स माइनस कॉज ऑफ एक्स ई ऑफ एक्स माइनस ये इसकी जगह आई आगे। अब हम आई को इस तरफ ले आएंगे, आई प्लस आई इक्वल टू साइन ऑफ एक्स सॉरी साइन ऑफ एक्स ई ऑफ एक्स माइनस कॉज ऑफ एक्स ई ऑफ एक्स प्लस सी। अब यहाँ आ जाएगा टू आई साइन ऑफ एक्स ई ऑफ एक्स माइनस कॉज ऑफ एक्स ई ऑफ एक्स प्लस सी। अब ये जो 2 है इस 2 के हमने इंटीग्रेशन फाइंड करना है, ये 2 सब पे डिवाइड हो जाएगा तो हमें मिल जाएगा आई इक्वल टू साइन एक्स ई ऑफ एक्स ओवर 2 माइनस कॉज ऑफ ई ऑफ एक्स ओवर 2 प्लस सी ओवर 2। तो ये हमें आंसर मिलेगा, आप एंड पे लिख देंगे सॉरी एंड पे लिख देंगे सी ओवर 2 की जगह, देयर फॉर सी सी, ओके क्योंकि कांस्टेंट टर्म कांस्टेंट लिखेंगे आप इसको तो सी लिख देंगे, ये आपका आंसर है। तो ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट कि जब भी आपका ऐसा फंक्शन आ जाए कि आप उसको फर्दर करते करते यानी कि वो खत्म ही ना हो यानी कि अनलिमिटेड होते जाए तो आप उसको जगह आई पुट करके उसको हमने यानी कि लिमिटेड कर देना है। तो ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अब एक क्वेश्चन है, ये लॉग ऑफ एक्स ये बहुत दफा आता है, ये पेपर में आता है, बच्चे ये एमसीक्यू में आता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको हम कर लेते हैं लॉग ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। अब अगर गौर करें तो लॉग ऑफ एक्स एक ही फंक्शन है, बच्चे क्या करते हैं लॉग ऑफ एक्स को इसको 1 ओवर एक्स लिखाते हैं, अरे भाई ये तो डेरिवेटिव है, लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है एक्स 1 ओवर एक्स, यानी लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स। तो ये सबसे बड़ी गलती यही ब्लंडर कराते हैं जिसकी वजह से कहते हैं कि भाई हमने क्वेश्चन तो किया था लेकिन वो सही नहीं हुआ। तो ये सबसे बड़ी गलती यही है कि लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर एक्स, इंटीग्रेशन 1 ओवर एक्स नहीं होता। अब हम क्या करेंगे इस पे हम एक रूल अप्लाई करेंगे, वो ये है कि अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दूं कोई फर्क आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब 1 किस में है? 1 अलजेब्रिक फंक्शन है, अलजेब्रिक फंक्शन है यानी कि कॉन्स्टेंट। अच्छा हम इसको सबसे पहले चेक करेंगे आई लेड के हिसाब से, आई लेड देख लेते हैं, आई से इनवर्स, एल से लॉगरिथम, ए से अलजेब्रिक, पी से ट्रिग्नोमेट्रिक और ई से एक्सपोनेंशियल फंक्शन। लॉगरिथम पहले है बिल्कुल, अलजेब्रिक बाद में, 1 अलजेब्रिक है याद रखना, कीप इन माइंड 1 इज अलजेब्रिक फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन सेम, लॉग ऑफ एक्स सेम, 1 का इंटीग्रेशन एक्स आएगा लिख देंगे सॉरी माइनस इंटीग्रल इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 ओवर एक्स होता है, ठीक हो गया डी ऑफ एक्स, एक्स एक्स से कैंसल आउट। आप इसको लिख देते हैं एक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस इस 1 का इंटीग्रेशन दोबारा लेंगे तो वो आ जाएगा एक्स, वो लिख लेते हैं एक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन एक्स होता है बेसिक इंटीग्रेशन के टॉपिक में हम पढ़ चुके हैं इसको प्लस सी। आप इसमें से एक्स कॉमन भी ले सकते हैं, एक्स कॉमन लेंगे लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस सी हो गया, ओके हो गया। तो ये है आंसर इक्वल टू आई। तो ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अब ये क्वेश्चन है
या खुद अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई मसला हो तो आप नीचे ईमेल भी कर सकते हैं या कमेंट भी कर सकते हैं। एक्स साइन ऑफ एक्स, अब फर्स्ट फंक्शन इसमें चेक कर लेंगे आई लेड के हिसाब से इन्वर्स लॉगरिथम ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री बाद में अलजेब्रिक, पहले है ये फंक्शन अरेंज है, ऑलरेडी अरेंज्ड है, तो इसको हम इंटीग्रल बाय पार्ट्स यूज करेंगे तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। लेट सपोज अगर एक्स स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे एक्स के ऊपर स्क्वायर आ जाता है, तो एक दफा आप जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स साइन ऑफ एक्स या एक्स कॉस ऑफ एक्स। तो नेक्स्ट फिर आप अगेन इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। जब तक आपका इंटीग्रेशन का साइन खत्म नहीं होगा तब तक आपने इसका इंटीग्रेशन लेते रहना है। अगर एक्स थ्री होगा तो फिर तीन दफा इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करना पड़ेगा। अगर एक्स सिंगल होगा तो यानी कि लीनियर होगा, एक्स एक डिग्री होगी, वन डिग्री होगी, तो फिर आप इसको एक ही दफा इंटीग्रेशन बाय पार्ट यूज करेंगे। तो ये थे इंटीग्रेशन बाय पार्ट के कुछ क्वेश्चन, और ये लेक्चर ऑलरेडी इस पर लेक्चर दे चुका हूँ, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। और उम्मीद करता हूँ कि इसके बाद, इस लेक्चर के बाद आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर भी कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। ओके, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।